आज सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद करने का जो सिरा तुम आप लोग जितने बैठे हो ना, ये अंदाजा छोड़ दो कि तुम्हारी तलवार से किसी से लड़ाई होगी, तुम फरसे से किसी से लड़ोगे, तुम भाले से किसी से लड़ोगे, धनुष और बाण से लड़ोगे या बंदूक और गोलियों से लड़ोगे। ना ना ना, ये युद्ध बंदूक और गोली का, फरसे और तलवार का अब नहीं होने वाला। अब जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा युद्ध ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर हमारे सनातन धर्म के संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिर, देवताओं को ऐसा गलत गलत तरीके से पेश किया जाता है जिससे हिंदू भाई ही हिंदू पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देता है। यह पेश किया जाता है। तुम सोच कर बैठे हो कि बंदूक का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि तलवार का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि फरसे का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि धनुष और बाण का युद्ध होगा। यह युद्ध नहीं हो रहा है, यह फिल्म के निर्माण करने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए संत, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, देवता, इनको फिल्म में जोड़ते हैं और इनको इस तरह से गलत तरीके से पेश करते हैं जिससे फिल्म देखने वालों की निगाह में वो संत, वो ब्राह्मण, वो गुरु, वो देवता गलत होता चले जाता है, तो हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है और हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। एक वो फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो, हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण, हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा हुए। हमें पसंद नहीं है ये। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए। ये कथा दतिया में नहीं मिलती, ये कथा दतिया की नहीं थी, केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो। बस इस बात पर ये कथा दतिया में आई। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टि अपनी सुधारने का प्रयास करिए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ रावण जैसे को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है, एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से पेश किया जाता है जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं, तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो, इतने बैठे हो। जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अंदाजा लगाना
स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है।